हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अपफ्रंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पांच ऐसे सुपर फास्ट हाई ग्रोथ स्टॉक्स लेके आए हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा मल्टी बैगर हाई रिटर्न बना के दिए हैं। और फ्रेंड्स, इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट काफी कमिटेड है। तो बेस्ड ऑन दिस हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स की डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है और ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के दम पे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपनी क्वालिटी की छाप छोड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से हर स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे, कहां बाय करना चाहिए, कहां अवॉइड करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और हाँ फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक टुडे एंड फर्स्ट स्टॉक इज जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस को करने से पहले हम इसका थोड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्टडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये डोमिनोज पिज्जा का ब्रांड है और आपने कभी ना कभी इसकी सर्विसेज अवेल की होंगी। और फ्रेंड्स, ये इंडिया की लीडिंग फूड कंपनीज में से एक है जिसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और अगर इसके ब्रांड की बात करें तो डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स, ये दो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। तो दोस्तों, एक लीडर टाइप स्टॉक होने के बावजूद इसका मार्केट कैपिटल अभी 30,000 करोड़ भी नहीं है, यानी कि ये एक ग्रोइंग कंपनी है, ऑलमोस्ट एक मिड कैप लेवल की कंपनी है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डोमिनोज, होंग्स किचन, एकदम बिरयानी कबाब एटसेट्रा जो ये बनाती है, डंकिन एंड पॉपाइज। दोस्तों, अब आते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देख सकते हैं अभी स्टॉक ने 447 रुपीज पे क्लोजिंग दे रखी है और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई चेक करें तो 652 रुपीज, यानी कि लगभग यहां पे इस लेवल पे इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 30% के आसपास का डिस्काउंट यहां पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, 30% का डिस्काउंट काफी अच्छा डिस्काउंट होता है। एंड मोर ओवर दोस्तों, ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 450 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पहले भी पास्ट में यहां पे इसी लेवल को टच करके ये वापस तेजी में लौट गया था और अभी इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले रखा है। और दोस्तों, गुड थिंग इज दिस कि इसने अपने 450 के रुपए के सपोर्ट को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो यहाँ पे 500 रुपीज पे इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है या तो वो अभी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक एक दो दो बल्क इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, जब ये 500 के ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लेवल है उसको ब्रेक करके 500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, वहां पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ये दोनों अप्रोच फॉलो करके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर RSI की बात करें तो 43.8 की RSI देखने को मिल रही है और अगर हम फंडामेंटल फ्रंट पे ROCE की बात करें तो 21.3% की ROCE है और 25.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी PE वैल्यू की बात करें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, तो करंटली ये 70 के PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम इसके 5 ईयर्स मेडन पीई की बात करें तो ऑलमोस्ट 85 के आसपास ये देखने को मिलता है। तो क्लियरली अभी वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक मुझे बाइंग जोन में नजर आ रहा है। और ऊपर से डिस्काउंट की बात करें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लगभग 30% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स, इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में शानदार 45% के प्रॉफिट ग्रोथ इसने क्लॉक की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी 26.77% की स्टेक एक्वायर कर रखी है। अगर हम DIAs की बात करें तो 20.70% और प्रमोटर्स के पास लगभग 41.94% का स्टेक है। तो दोस्तों, इसका मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स प्रमोटर्स, FIIs और DIAs के पास ही है। और अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास सिर्फ
10% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर क्लिक करें। और नेक्स्ट स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 950 के आसपास का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। और पहले भी इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी लेवल पे टच करके ये ऊपर की तरफ गया था, और उससे पहले भी इस लेवल को टच करके इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक गोल्ड लोन्स में इसका मेजर बिजनेस आता है। और दोस्तों ये अपनी नई नई ब्रांचेस को ओपन करती जा रही है, तो एक टाइप से अगर हम इसको NBFC सेक्टर की कंपनी बोलें तो गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। और दोस्तों अगर आप इस सेक्टर में लीडर स्टॉक के साथ जाना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस इसमें अपनी कैटेगरी का लीडर स्टॉक है, दैट इज NBFC सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। अब अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करें तो 14.2% का ROCE है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 23% का देखने को मिल रहा है। PG रेशियो की बात करें तो 0.40 का है, तो करंटली एज पर PG रेशियो इट इज अंडरवैल्यूड। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 10.8 का इसका स्टॉक PE देखने को मिलता है, वहीं अगर 5 इयर्स के मेडन PE की बात करें तो 12.5 का इसका 12 इयर्स का मेडन PE। अब बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो लास्ट 10 इयर्स में इसने 16% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्लॉक की है, लास्ट 5 इयर्स में 27% और लास्ट 3 इयर्स में लगभग 26% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने क्लॉक की है। तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफी शानदार नजर आ रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 73.35% का स्टेक है, FIIs के पास 10% का स्टेक है, DIIs के पास 12% का स्टेक देखने को मिलता है, वहीं पब्लिक के पास मात्र 4.6% का स्टेक है, यानी कि मात्र 5% से भी कम का स्टेक पब्लिक के पास यहाँ पे है। तो ऑल इन ऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे हमने बताया ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आपको इस सेक्टर में एक लीडर स्टॉक के साथ जाना है तो बजाज फाइनेंस के साथ आप जा सकते हैं, और अगर आपको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मुथूट फाइनेंस के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर लेवल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका 1448 का है और करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 952 रुपीज, तो इसमें भी लगभग 33% का डिस्काउंट यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अगर हम इसकी RSI की बात करें तो 33 का इसका RSI नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक नाउ, और हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है ओरियंट इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स FMEG दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल मात्र 5,800 करोड़ के आसपास। और दोस्तों अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लेवल है यानी कि 270 और 250 के आसपास इस जोन में ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी ट्रेडिंग सेशन से। पहले भी इसी जोन में देखिए आप कितना कंसोलिडेशन, कितना टाइम करेक्शन इसी जोन में इसने दी है। और दोस्तों अगर एग्जैक्ट लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 275 का सपोर्ट ये मान के आप चल सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो 250 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये 250 रुपीज के आसपास मिल जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और दोस्तों जिनके पास एक भी स्टॉक अभी नहीं है वो इस लेवल पे भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर गिरावट एक बेहतरीन खरीदारी का मौका आपके लिए ला रही है। दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 358 यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का लेवल बनते हुए देखा जा सकता है, तो लगभग 25% के आसपास का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। RSI की बात करें तो लगभग 50 के आसपास RSI का लेवल देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो FMEG में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स में एक ग्रोइंग कंपनी है, और जिसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये मेजोरिटीली फैन, होम अप्लायंसेज, लाइटिंग और स्विच गियर्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर होम अप्लायंसेज में बात करें तो ये इन दो ग्रुप्स के अंडर ऑपरेट करती है, तो फैंस, होम अप्लायंसेज, लाइटिंग एंड स्विच गियर्स।
और कुछ और सैंपल प्रोडक्ट्स आप इनके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये कंपनी फैंस बनाने में एक लीडर स्टॉक है, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इसका फैंस सेल करके ही आता है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, मार्केट कैपिटल 5800 करोड़ के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 25.4% देखने को मिलता है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 0.96 है, क्लियरली पीजी रेशियो इज लेस देन वन, इट मीन स्टॉक इज क्लियरली अंडरवैल्यूड। अब अगर हम इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ इसमें नजर आती है लॉन्ग टर्म में, लास्ट 3 ईयर्स में 22%, लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 61%। और बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 38.4% का स्टेक देखने को मिलता है, FIIs ने 6.13% का स्टेक एक्वायर कर रखा है और DIIs ने 26.66% का स्टेक एक्वायर यहाँ पे किया हुआ है और पब्लिक के पास बचता है 28.7% का स्टेक। तो ऑल इन ऑल इसके भी मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक नाउ, और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। दोस्तों ये कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग IT कंपनी है जिन्होंने पास्ट में अपने सभी इन्वेस्टर को धीरे धीरे काफी वेल्थ क्रिएट करके दी है। इसके लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी काफी स्ट्रांग है और ये वन ऑफ द लीडर स्टॉक्स है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 6,25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस स्टॉक टुडे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 1,500 का इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और डाउन द लाइन अगर हम इसका सपोर्ट लेवल्स देखें तो नीचे की तरफ 1,400 पे भी इसका काफी स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं और अगर आपको ये 1,400 के आसपास कहीं मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक्यूमुलेशन करके चलना है, खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि 1,400 इसका एक काफी अच्छा बाइंग जोन बाइंग लेवल माना जाता है। और फ्रेंड्स डिजिटल और IT सेक्टर में ये काम करती है और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं IT का और डिजिटलाइजेशन का फ्यूचर काफी ब्राइट है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो IT दैट इज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन में काफी ग्रोथ का स्कोप है, बिजनेस का काफी स्कोप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर इसका ऑल टाइम हाई चेक किया जाए तो 1,924 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई इसने क्लॉक किया हुआ है और अभी लगभग 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 30% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे क्लियरली अवेलेबल है। दोस्तों फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो लगभग 37% का ROCE है और ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज समवेयर अराउंड 29%। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और दोस्तों ये स्टॉक अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज चेक किया जाए तो इट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 1,546 रुपीज और वहां से भी अभी ये डिस्काउंट प्राइस में हमको मिल रहा है। अगर इसकी बात करें RSI की तो 42 का इसमें RSI देखने को मिलता है। तो अगर आप एक IT सेक्टर के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं तो आप इन्फोसिस के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज एस्ट्रल। फ्रेंड्स अगर एस्ट्रल की बात करें तो ये पाइप एंड प्लम्बिंग सेक्टर में एक लीडर स्टॉक है जो वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पाइप्स और प्लम्बिंग सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर करती है। तो प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं इनके वाटर टैंक्स, पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स, सीवरेज पाइप्स, ये इसकी सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वीडियो को टैप पॉज करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पाइप एंड प्लम्बिंग सेक्शन में ऑलमोस्ट हर रिक्वायरमेंट के लिए, हर यूज के लिए पाइप्स बनाती है। तो ये एक लीडर स्टॉक है और अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो लीडर स्टॉक होने के बावजूद इसका मार्केट कैपिटल सिर्फ 38,000 करोड़ का है। तो क्लियरली एक मिड कैप सेक्टर से ही ये बिलोंग करती है। तो इसमें फ्यूचर में भी ग्रोथ के चांसेस अभी काफी ब्राइट हैं। और फ्रेंड्स अगर इसके करंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1920 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है
और अगर लोएस्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1750 का इसका लोएस्ट सपोर्ट लेवल है, बट अभी ये 1900 के आसपास काफी दिनों से टाइम करेक्शन दे रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों आप करंट लेवल पे भी इस स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों बल्क इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाने की क्षमता ये रखता है क्योंकि ये एक लीडर स्टॉक है। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से ये डायरेक्टली लिंक्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट काफी पुश करती रहती है, तो उससे क्लियरली इसको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी इसके शानदार है। ROCE ऑलमोस्ट 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 23% का देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसका 200 डे मूविंग एवरेज देखा जाए तो 1995 रुपीज का है और वहां से अभी ये अच्छा खासा डिस्काउंट में हमको अवेलेबल है। और अगर इसका ऑल टाइम हाई चेक करें तो 2655 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहां से लगभग 25% का डिस्काउंट इसमें क्लियरली अवेलेबल। अगर बात करें इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो काफी शानदार ग्रोथ इसने क्लॉक की है। लास्ट 10 ईयर्स में 29% की प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 27% की प्रॉफिट ग्रोथ और लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 35% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने क्लॉक की है और अपने शेयर होल्डर्स को भी इसने काफी कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स बना के दिए हैं। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफी स्ट्रांग है। प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 56% का स्टेक है, FIIs के पास 14.88% का स्टेक है और DIIs के पास 15.23% का स्टेक देखने को मिलता है और पब्लिक के पास सिर्फ 14% का स्टेक ही देखने को मिलता है। दैट इज ओनली 14% का स्टेक पब्लिक के पास इस स्टॉक में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये सारे स्टॉक्स बताए गए लेवल्स पे आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो आपकी स्क्रीन पे दो इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए गए हैं, आप उन दोनों वीडियोस को भी एंड तक जरूर देखें, हमने काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स इनमें कवर किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।